बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पिस्टल की इलास्टिक की बेल्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी वीडियोज़ देखते रहते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। आप लोगों को जो इलास्टिक की बेल्ट एक नज़र आ रही होगी, कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना के अपलोड की थी, इलास्टिक बेल्ट की वीडियो थी। तो वो दूसरा इलास्टिक बेल्ट था, ये उससे डिफरेंट है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें इलास्टिक बेल्ट, बहुत अच्छा वेलक्रो इसमें लगा हुआ है। ठीक है, एक इसमें पिस्टल की जगह है, एक इसमें लाइसेंस या बुलेट्स वगैरह आप डाल सकते हैं। और इसमें जो है ना, दो मैगजीन, किसी भी उसके 9 mm हो के 14 शॉट हो के कोई भी हो, 7 शॉट हो, इंशाल्लाह उसमें आ जाएंगे। सबसे पहले पिस्टल की जगह मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आप देख लें प्लास्टिक बेल्ट में। ठीक है, यहाँ से एडजस्टमेंट के लिए, बड़ा छोटा करने के लिए। ठीक है, तो साथ ही जो पॉकेट लगी है देख लें। ठीक है, साथ दो मैगजीनों के लिए जगह बनी है, इसमें सारे मैगजीन आ सकते हैं, 7 शॉट 14 शॉट जो भी हैं। इसकी ख़ास बात ये है, ये सारे देखें, इसमें 32, 34, 36, 38 ये अवेलेबल है मेरे पास। तो इंशाल्लाह जिस भाई को भी चाहिए, 40, 42 की वेस्ट वाले भी इंशाल्लाह 38 तक अगर यूज़ करना चाहें तो इंशाल्लाह आ जाएगा। ये फ्लेक्सिबल है जी। तो ये 34 जो है ना, मेरे ख्याल में 38 तक का काम करता है इंशाल्लाह। तो बैक साइड पर आपको दिखा देता हूँ मुकम्मल। ये देखें, इलास्टिक लगी है, कुछ इसमें दूसरा मटेरियल यूज़ नहीं हुआ, इलास्टिक है और पैराशूट का कपड़ा यूज़ हुआ है। तो इंशाल्लाह ये सर्दियों के लिए अच्छी बेल्ट है। और जिस भाई को चाहिए उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दें, तो इंशाल्लाह जिसको चाहिए मैं बता दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, नए आने वाली वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।